है यूपी के बरेली से, जहां एक तरफ योगी सरकार अपराधियों के सलाखों के पीछे डालने के लगातार चला रहे हैं अभियान, वहीं बरेली के कुछ पुलिसकर्मी दलालों के हाथों में खेल रहे। यह पूरा मामला कुहाड़ा पीर चौकी इलाके का है, जहां एक युवक को पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि वह खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हो गया। उसने खुदकुशी के प्रयास करने का एक वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक का नाम मोनिस रजा खान है और वह गढ़ी इलाके का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक यह पता चला है कि गढ़ी के रहने वाले मोनिस रजा खान को बानखाना की रहने वाली एक युवती से प्रेम हो गया। आपको बताते चलें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों की शादी भी होने जा रही थी, लेकिन इसी बीच लड़की के परिजनों का मन बदल गया और वे शादी से मुकर गए। वहीं मोनिस शादी पर अड़ा रहा तो लड़की के परिजनों ने इलाके के ही एक दलाल का सहारा लिया। उसका नाम बंटू बताया जाता है। उस पर प्रेम नगर थाने के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जब लड़की के परिजन मंटू के पास पहुंचे तो मंटू ने अपने जानकार सिपाही को बुला लिया। फिर पुलिस वाले मोनिस रजा को उसके घर से उठाकर कुहाड़ा पीर चौकी ले गए, जहां मोनिस की जमकर पिटाई की, जिसके बाद मोनिस ने खुदकुशी करने का फैसला किया। मोनिस ने बताया कि पुलिस मुझे कुहाड़ा पीर चौकी ले गई, जहां मुझे खूब मारा गया, पीटा गया, मेरी प्रेमिका से भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैं अपनी प्रेमिका से अलग होकर नहीं जी सकता, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार मंटू, बिलाल और बंटू है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इतना कहते ही मोनिस ने जहर खा लिया। इसके बाद परिजनों ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर रूप से बताई जा रही है। मोनिस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपी दलाल मंटू, बंटू और बिलाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वायरल हो रहा है, उक्त वीडियो की जब जांच कराई गई तो पता लगा कि वो वीडियो थाना प्रेमनगर के चौकी कुहाड़ापुर से संबंधित है। इसकी जांच कराने के बाद ये तथ्य हमें सामने आया कि एक लड़की की सगाई मोहसिन नाम के एक लड़का, जो कि गढ़ी चौकी थाना किला का रहने वाला, उससे हुई थी। लड़की और घर वालों को सगाई के बाद ये पता लगा लड़के जो नशा का आदि है, जिसके चलते लड़की और उसके घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया। इस पर लड़के ने लड़की के घर वालों के ऊपर अनावश्यक तरीके से दबाव बना रखा कि नहीं तुम उसे शादी करो। इस पर लड़की कुहाड़ापुर चौकी पर एक लिखित रूप से तहरीर दी थी। तहरीर प्राप्त होने के बाद में चौकी इंचार्ज के द्वारा लड़के को चौकी में बुलाया गया था। उसे घर वाले भी आए थे और कुछ अन्य लोग भी आए थे। दोनों पक्षों ने आपस में मिलकर एक समझौता कर लिया कि आगे इस प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस पर चौकी इंचार्ज ने लिखित समझौतनामा ले लिया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद भी लड़के के द्वारा लड़की के घर जाकर अनावश्यक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था और इस तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। वीडियो में लड़के के द्वारा जो बात बताई गई कि पुलिस उसे उठाकर लाई और मारपीट की, यह इल्जाम बिल्कुल असत्य है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। लड़की के द्वारा फिर से थाना प्रेमनगर पर एक तहरीर दी गई, जिसको पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी जाँच की जाएगी और जो भी होगा उसके आधार पर अगली विधानी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।